रीवा लोकायुक्त एसपी गोपाल सिंह धाकड़ के निर्देशन में हुई ताबड़तोड़ कार्यवाही। दो कार्यवाही में 4 रिश्वतखोर ट्रैप हुए। लोकायुक्त पुलिस की ताबड़तोड़ कार्यवाही में महिला एवं बाल विकास मऊगंज के 2 अधिकारियों को रंगे हाथ पकड़ा गया। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। लोकायुक्त पुलिस की ताबड़तोड़ कार्यवाही में महिला एवं बाल विकास मऊगंज के 2 अधिकारियों को रंगे हाथ पकड़ा गया। वहीं अनंतपुर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित के 2 अधिकारियों को रंगे हाथों ट्रैप की कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि लोकायुक्त ने पहली कार्यवाही के करते हुए महिला एवं बाल विकास के 2 अधिकारियों को मध्यम भोजन का बिल पास कराने के एवज में 20,000 की रिश्वत मांगे जाने पर 10,000 की रिश्वत लेते हुए आज रंगे हाथ पकड़ा है। वहीं दूसरी कार्यवाही में अनंतपुर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित रीवा को NOC जारी करने के एवज में आरोपी संतोष दुबे द्वारा 25,000 रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त ने ताबड़तोड़ कार्यवाही की है। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज। और उनको आंगनबाड़ी की जो उनके द्वारा बनाया जाता है, इनके द्वारा जो है वहाँ की आंगनबाड़ी में काम किया जाता रहा, उसका कुछ बिल उनका पेंडिंग हो गया था मार्च अप्रैल में करीब 1,00,000। वो बिल जो है ये जो आज पब्लिक नहीं आ रही है द्वारा बिल पास नहीं किया जा रहा, शिकायत का सत्यापन कराया गया। सत्यापन करीब पाया जाने के बाद आज जो है जो दीवा की टीम आरोपी जो महिला अधिकारी है माया, इन दोनों को 10